अस्सलाम वालेकुम, मेंटल हेल्थ पाकिस्तान मॉडल डाओ लिमिटेड की जानिब से हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं मेड टॉक्स की एक नई एपिसोड के साथ। आज जो हमारे साथ हमारी डॉक्टर, हमारी काबिले मोहतरम डॉक्टर जो इस वक्त मौजूद हैं, वो मेजर रिटायर्ड डॉक्टर नजमा अजीज़ हैं, जो कि स्पेशलिस्ट इन साइकेट्री एंड एक्स मेजर मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी हैं। इसके अलावा एक्स एच ओ डी साइकेट्री एफ जी सर्विसेज इस्लामाबाद, और इस वक्त करेंटली शी इज़ सर्विंग द कम्युनिटी इन अली हॉस्पिटल जी 9 इस्लामाबाद। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, क्या आप समझती हैं जब से COVID-19 का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो इसकी वजह से रोज़ बरोज़ जो डिप्रेशन और एंगजाइटी में इजाफा हो रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? ये रोज़ बरोज़ जो डिप्रेशन और एंगजाइटी बढ़ रही है, इसकी ज़रा सी वजाहत फरमाइएगा। आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और एंगजाइटी और डिप्रेशन वैसे तो माशरे में चल रहा था और चल रहा है, लेकिन जो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब से ये COVID-19 नमूदार हुआ है और 1.5 साल हो गया है, इसकी वजह से एंगजाइटी डिप्रेशन माशरे में हमारे बढ़ गई है। और मतलब ये ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को ये मुतासर कर रहा है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी इसने काफ़ी हद तक मुतासर किया है। और वो ये हमने अपने पेशेंट्स जो आते हैं उनके थ्रू ही हमें अंदाज़ा हुआ है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत क्रॉप अप हुए हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, और उसमें ज़्यादा जो चीज़ें मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मायूसी, आइसोलेशन, और जो पहले से इन बीमारियों के शिकार थे उनकी ये बढ़ भी गई है और ज़्यादा नुमाया हो गई है, और इसकी रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है। इसलिए कि इसमें हमने अवेयरनेस भी डेवलप की है, हमारी पाकिस्तान साइकेट्री सोसाइटी ने इस पर बहुत काम किया और अवेयरनेस बढ़ाई है कि ताकि लोग रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक हमारा एक इस तरह का माहौल है कि फिज़िकली आप जब ठीक नहीं होते तो आप मोर और लेस जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप मेंटल हेल्थ आपकी अब मुतासर हो रही है तो आप उसकी परवाह नहीं करते। आपके जो इर्द गिर्द रिश्तेदार बहन भाई वो भी समझ रहते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा या ये कोई मामूली सा मसला है, लेकिन ये फिर बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाता है कि जो शख्स मुतासर होता है उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है, उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, फिर उसकी रिलेशनशिप अफेक्ट होती है विद द फैमिली मेम्बर्स, विद द प्लेस एट वर्क, विद प्लेस विद योर चिल्ड्रन। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए और इसके लिए हेल्प ली जाए। अच्छा मैडम, COVID-19 के रेफरेंस अगर बात की जाए, जो इसकी वजह से दिन ब दिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर इजाफा हो रहा है, आप इसकी कैसे वजाहत फरमाएंगी? 3-4 चीज़ें मद्देनजर रखते हुए जिसके अंदर मर्ज़ का ख़ुद एक खौफ है जो कि इस वक्त पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया है, मुस्तकबिल लोग कैसा अपना परसू कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को कैसा देखते हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग का आजकल बड़े मसाइल का शिकार है आवाम, और मर्ज का डिजीज़ स्प्रेड जिसको आप कहती हैं कि एक से दूसरे को लगने वाले जो खौफ बन रहा है, इसकी वजह से डिप्रेशन एंग्जाइटी में इजाफा क्या हो रहा है, इसकी आप कैसे वजाहत फरमाएंगी? जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, उनका एक बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है, उसमें आपकी एक बायोलॉजिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है फॉर एनी थिंग विच इज़ गोइंग अराउंड यू, एक आप साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, एक आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने खुद बताया कि ये COVID-19 जो है ये तो एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरसेस जो हैं ये ज़रूर मेंटल हेल्थ को इस सेंस में डिस्टर्ब करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए करें या लंबे अरसे के लिए करें, कि ये एंग्जाइटी प्रोवोक करते हैं, डिप्रेशन प्रोवोक करते हैं। और ये जो वायरस है ये इसने तो इसमें ये हो गया कि इसका एक तो इसका स्पैन बहुत लंबा था, फिर ये पैंडेमिक है, मतलब एवरीबॉडी इज़ बीइंग अफेक्टेड, तो वो उसके लिए उन्होंने मतलब सोशली आपने एक दूसरे को आइसोलेट करने के लिए ज़रूरी हो गया, आपने खुद भी आइसोलेट किया, लोग भी आइसोलेट हो गए, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, वरना तो आप एक दूसरे से मिलते हैं। एक वक्त तो वो भी था कि जब आपको पार्क्स में भी वॉक वगैरह भी करने के लिए मुश्किल हो रही थी, बच्चे घर में बंद हो गए, स्कूल जाने बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो ये सब चीज़ स्ट्रेसर्स थे विद नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स, जिनको जो बहुत से वो भी लोग थे जो वर्क एट होम उनका शुरू हो गया, तो ये सब स्ट्रेसर्स मिलके एक आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर एट द सेम टाइम सोशली आप इस तरह अफेक्ट हो रहे हैं कि आपका
आपको एक सर्वाइवल का इशू बन गया था, जॉब्स एट स्टेक हो गई, आपकी बहुत सारी मतलब वर्किंग मुतासर हुई, आपका आपको हर काम जो है वो इस सर्टन पीरियड में करना है पूरा, जैसे पहले जिस तरह मतलब आपने शॉपिंग पे जाना है जब आपने चले जाए, लेकिन अब तो आपने ये देखना है कि इस दिन जा सकते हैं इस दिन नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें मतलब ये सब स्ट्रेसर्स हैं और इन्होंने सब ने ही मुतासर किया आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी सोशल फंक्शनिंग को। और कुछ लोग मज़बूत होते हैं कर जाते हैं, कुछ लोग इतने मज़बूत नहीं होते हैं एंड दे ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन में यही होता है कि फिर दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ एंगजाइटी, जिसमें वो एक इज़्तिराब की कैफियत हो जाती है कि पता नहीं अब कल क्या होगा, अगर उनका खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो गया था तो उसकी फ़िक्र होगी, और फिर इसमें ये भी बहुत फिक्र होती है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, और मतलब वर्स किस्म की सोचें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और कुदरती तौर पे आप सप्रेस हुए हैं, आपकी हर चीज़ सप्रेस हुई हुई है, तो आपका जो आउट वो जो एक आपका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाता है, और उस नेगेटिविटी में आपकी डिप्रेशन एंजाइटी ये टू फोल्ड थ्री फोल्ड बढ़ जाती है। ये चक्कर वायरस की तो सबसे बड़ी जो दो तीन ज़्यादा मसाइल हैं वो यही है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने अपने आप को बचाना है, और इसका एक खौफ है हर वक्त का खौफ है कि पता नहीं आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपने अपनी तरफ से एहतियात की है लेकिन कहीं आप एक्सपोज तो नहीं हो गए, और फिर आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि आप मतलब आपकी नेबर्स फैमिली मेम्बर्स सब मुतासर हो रहे हैं, फिर जो आप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से पता चल रहा होता है, तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस सोसाइटी के अंदर आता है और वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए ये आपने अच्छा मतलब आपका अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग और दूसरी सब मतलब प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई आप मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करें कहीं, क्योंकि फिज़िकली तो वो रिकवर हो जाता है क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो वो तो खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन जब सीवियर है तो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं उससे अगर बंदा खुद ही सफ़र करता करता उसकी कारकर्दगी लॉन्ग टर्म अफेक्ट होती है, और उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, रिलेशनशिप अफेक्ट होती है फैमिली से, अपने दोस्त अहबाब से, और उसकी बड़ी वजूहत वही हैं कि मतलब यू आर नॉट कीपिंग इन टच विद योर फैमिली विद योर नियर वंस, और अपने मतलब कॉन्टैक्ट्स जो हैं जिनसे आप मिलते जुलते थे उनको आप विजिट्स का टेल हो गए, और ये सारी चीज़ें आपको फिर नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा मैम, क्या आप समझती हैं कोई ऐसे मुहरकात हैं जो कि डिप्रेशन और एंगजाइटी को बढ़ावा देते हैं, या ऐसे मुहरकात उनके लिए कि जो पहले से डिप्रेशन और एंगजाइटी का शिकार हैं वो उनको कोई ट्रिगर कर देते हों, जैसे अभी आप जानती हैं एक नया डेल्टा वेरिएंट के नाम से एक चौथी वेव आ गई है, उसकी वजह से भी बहुत डिप्रेशन और एंगजाइटी बढ़ रही है, तो वो क्या क्या मुहरकात हैं अवामिल हैं जो कि इस एंगजाइटी और बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे होते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, और ये हम देख रहे हैं कि मतलब अब एक साल डेढ़ साल हो गया उसकी बार बार वायरस म्यूटेट करके नई शक्ल में आ रहा है, अब जैसे फोर्थ वेव कह रहे हैं डेल्टा वेरियंट है, और ये और भी ज़्यादा मोहलक है और बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो ये चीज़ें जब पता चलती हैं तो एवरीबॉडी गेट्स अपसेट कंसर्न वरिड, तो जाहरी बात है आपके दिमाग के ऊपर एक स्ट्रेस आता है, और ये फिर आपकी अपनी एक हर एक की शख्सियत होती है, आप उसका एक साइको सोशल मॉडल होता है कि कितना वो इस चीज़ को फेस कर लेगा, कुछ लोग फेस कर लेते हैं ज़्यादातर लोग नहीं भी कर सकते, और इस वायरस की जो नेगेटिव बातें वो यही हैं कि मतलब आप आपने आइसोलेट करना है, आपने रबते में नहीं रहना, तो ये चीज़ें भी अगेन नेगेटिव अफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ पे, और मेंटल हेल्थ मुतासर होती है, तो इसलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको मतलब मैसेज को समझाऊंगी कि अपने आप को आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है ताकि आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रहे, और उसके लिए आप रेगुलर वॉक करें, आप अपना रेस्ट भी मुकम्मल करें, एक्सरसाइज करें, आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आप प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करें सो दैट आपका एक्सपोजर भी कम हो, एक्सपोजर को तो आप अवॉइड करें, आपको दिन रात आपको बता रहे हैं कि आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, आपने गैदरिंग्स में इस तरह नहीं जाना कि भाई आप का कांटेक्ट हो जाए, और जहाँ कोई जिसका जिस तरह कोई ऐसी केस है
तो उनको भी चाहिए कि वो दूसरों से दूर रहें और इत्तला कर दें ताकि दूसरे लोग महफूज रहें। और इसमें मतलब दोनों चीज़ें आती हैं, प्रिवेंशन भी और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए पॉजिटिव हेल्थ लाइफस्टाइल अपनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर नॉट लोनली, यू आर एबल टू डील विद द सिचुएशन। और इस ये तो आप जो पेंडेमिक है अब देखें कितना चलता है, इसमें आपने इसके साथ फाइट करना है और फाइट करने के लिए यू हैव टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें मैंने आपको दो चार बातें बताई कि आपने अपना आपको कैसे रखना है। और दोज पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन एंड एंगजाइटी, मुआशरे में लोग ले रहे होते हैं ट्रीटमेंट, उनको अपनी अद्वियात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपने नॉलेज से विज़िट करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। और अगर मतलब डिपेंड कर रहा होता है कुछ लोगों को सिर्फ व्हेन दे गो एंड सी अ डॉक्टर, तो वहाँ अपनी बात करके भी वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, फिर डॉक्टर थोड़ा बहुत जो उनको हेल्प कर देता है उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो ये सब इश्यूज़ जो हैं ये काबिल इलाज हैं और प्रिवेंटेबल भी हैं, तो दोनों चीज़ों पर फोकस करें। अच्छा मैम, आपके पास भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह के कई मरीज़ आ रहे होते होंगे इसी मेंटल हेल्थ को लेते हुए, डिप्रेशन एंग्जाइटी को लेते हुए, क्या आप समझती हैं कि इस मर्ज़ की वजह से होने वाली जो डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी है, जैसे आपने बताया तो आपने सारी फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बताएं, क्या कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आप एडवाइस करती हैं कि कोई अदवियात खसूसी तौर पर इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी को जो कोपअप करती हों या इसको क्योर करें? ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी, एक तो नॉर्मल एंग्जाइटी और डिप्रेशन होती है ना कि आपको मतलब ये वेव आ गई, आप थोड़े से घबरा गए, लेकिन फिर आपने अपने आप को समेट लिया, समझा लिया, जो प्रिवेंशन के तरीके हैं वो अडॉप्ट कर लिए और आपकी लाइफ चल रही है। लेकिन एक वो भी स्टेज होती है कि जब आप ये जो इज़्तिराब फैलता है वो उससे आप कोप नहीं कर सक रहे होते और आप बेचैन हैं, आपके बॉडी पे असर हो रहा है, आप परेशान हैं, आपकी नींद मुतासर हो रही है, आपका खाना पीना अफेक्ट हो रहा है, ये एंग्जाइटी की अलामत होती हैं। इसी तरह डिप्रेशन में फिर आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, आप काम नहीं कर रहे, आप पड़े हुए हैं और 15 दिन से ऊपर गुजर गए, तो ये वो अलामतें हैं कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये आपको रजू करना चाहिए, क्योंकि ये सब काबिल इलाज हैं फार्माकोलॉजिकली, ये इनका ट्रीटमेंट होता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और पेशेंट रिकवर करते हैं और फिर वापस अपनी लाइफ में पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल उनका में वापस आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपका प्रोग्राम भी इसमें हेल्प करता है कि आप ये आगाही पैदा करें कि अगर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन के आपके अलामात जो मैंने अभी बताई हैं ये आपको हो रही हैं और आप इसके साथ कोप नहीं कर सक रहे, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, आपने सारे तरीके अपनाए लेकिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आप डॉक्टर से रजू करें, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रजू करें और अपना जाके प्रॉब्लम बताएं और शेयर करें और उसका अद्वियात से इलाज होता है और बहुत 100% इफ़ेक्टिव इलाज होता है। ये चीज़ अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि COVID-19 में ये चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं और अगर लोगों को पता होगा कि वो काबिल इलाज हैं, उनकी अद्वियात मौजूद हैं, और ये बात भी तो मैं आपको इसी प्रोग्राम के ज़रिए बताऊँगी कि लोग समझते हैं कि भाई ऐसी अद्वियात होंगी पीछे पड़ जाएंगी, छोड़ ना सकेंगे, सोए रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बड़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसमें आप रिकवर होते हैं और आपकी दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, आप एक सर्टन पीरियड के लिए लेते हैं और फिर आपकी एफिशेंसी जो है एट वर्क और आपकी प्रोडक्टिविटी वो 100% वापस आती है। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है और एक आप क्रॉनिक स्टेज में जा सकते हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि ये जो वबाई मर्ज है जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी बढ़ रही है, क्या ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्या मुस्तकिल हैसियत हासिल कर सकती है, या ये कहा जाए कि अगर ये इस मर्ज़ को इंशाल्लाह परवरदिगार इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे पूरी दुनिया से, जैसे ही ख़त्म होता है तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो इसकी वजह से नुमाया हुआ था वो भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपका ये भी क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है जिस वजह से होती है, बहुत दफ़ा तो ये होता है कि वो वजह ख़त्म हो गई और एंग्जाइटी डिप्रेशन, लेकिन एक एंग्जाइटी डिप्रेशन बीमारी भी बन जाती है जो कि उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो चला गया लेकिन आप उसमें मुब्तला हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसमें मुब्तला हैं तो आप रजू करें और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट लें ताकि ये ख़त्म हो जाए, और ये ना सोचते रहें कि जब कोविड ख़त्म होगा हम भी ठीक हो जाएं।
ये तासर वाला था, मतलब अगर आपकी 10-15 दिन से ज़्यादा आप इस कैफियत में मुबतला हैं तो आप ज़रूर रजू करें और अपना ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट बड़ा इफ़ेक्टिव है। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ना ट्रीटमेंट लेना जो है दैट इज़ मोर हार्मफुल, इसलिए कि आप एक क्रॉनिक स्टेज में चले जाएंगे और फिर आप इसके परमानेंट मरीज बन जाएंगे। फिर जब आप इलाज के लिए जाएंगे फिर ज़्यादा देर लगेगी इलाज कराने में, रिस्पॉन्स लेने में, इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और यहाँ पे होता है कि ऐसे लोग के जो डिप्रेशन का शिकार हैं ऑलरेडी, उन्हें किसी एक्स वाई जी वजह के साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पहले से शिकार थे या उसके मरीज़ थे, या वो लोग के जो जिनके लिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक नया मर्ज़ है इस वबा के आने के बाद, आप इन दोनों ए और बी पेशेंट्स को इससे बचाव की क्या तदाबीर बताएंगी, और हमारे सुनने वाले जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं आप उन्हें किस किस चीज़ से आगाही के फरमाएंगी कि इन चीज़ से बचा जाए और इन इन अवामिल से दूर रहा जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इस डिप्रेशन एंग्जाइटी से आप बच सकते हैं। आपकी मैम क्या वैल्यूएबल एडवाइसेस होंगी इस बारे में? जो पहले से मतलब डायग्नोज केसेस हैं और ये बीमारियाँ हैं होती हैं, और जब कोई स्ट्रेसर्स आ जाते हैं तो वो दोबारा जिसको हम कहते हैं ना रिलैप्स हो जाते हैं, तो जो पेशेंट्स पहले से इसमें इसके डायग्नोज केसेस हैं उनका रिलैप्स हो सकता है, तो उस पर उनको और उनके रिश्तेदारों को नज़र रखनी चाहिए, और अगर उनको वो फील कर रहे हैं कि उनके वो सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर रजू करके अपनी मेडिसिन एडजस्ट करानी चाहिए। और बाकी भी चीज़ अवामिल जो कि हम बता रहे हैं कि वॉक और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने आप को मसरूफ़ करना, वो चीज़ें सब इसके साथ करनी होती। और जो नए केसेस हैं जिनको इस COVID-19 में पहली दफ़ा ये एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रही है और वो अब सारे दूसरे चीज़ें इस्तेमाल कर के ये महसूस कर रहे हैं कि वो कोप नहीं कर रहे इस बीमारी से, अपनी इससे निजात हासिल नहीं कर सक रहे, तो फिर उनको ज़रूर रजू करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और वही मैंने बताया ना कि फ़र्स्ट एपिसोड में अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ली जाए तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, और उस जब वो फुल पीरियड के लिए जितने वीक्स के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो फिर हो सकता है साला साल उनको ना हो, और अगर वो इसको निगलेक्ट करेंगे तो वो क्रोनिसिटी में भी जा सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए दवाई के साथ साथ बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाएं, अपना हर चीज़ का ख्याल। कई ऐसे तासर मिलते हैं कि जो लोग इस एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो दवाई अदवियात के साथ साथ मुख्तलिफ़ जो और वजूहत हैं उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा ये जाता है कि अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा कर देते हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, या कैफीन लेना शुरू कर देते हैं लोग, अपनी चाय की मकदार को बढ़ा देते हैं कि इसकी वजह से मेरे स्ट्रेस में कमी आती है। तो मैम ये जो और दूसरे महरिकात की तरफ लोग जा रहे हैं, आप ज़ाहिर सी बात है नशा तो हर चीज़ आपको यकीनन हर चीज़ की ज़्यादती जो नशावरी का सबब बनती है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या वजाहत फरमाएंगी कि ऐसे लोग किस तरीके से बच सकते हैं इन चीज़ों से? उसमें भी मैं तो समझती हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब कभी कोई बंदा स्ट्रेस में होता है तो वो फिर ये दूसरी चीज़ों को अपने स्ट्रेस को कोप करने के लिए स्मोकिंग ज़्यादा कर देगा, और फ्रेंड्स कहेंगे यार ये तू हैश ले ले, इससे बड़ा रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो वक्ती तौर पे वो एक दूसरे को इस तरह कर देते हैं। और फिर ये ऐसी चीज़ें ये हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, और फिर इनकी अगर पहली दफ़ा वो थोड़े से मकदार से उसको रिलैक्सेशन मिली है तो नेक्स्ट टाइम उसको उसकी मकदार बढ़ानी पड़ती, और बढ़ाते बढ़ाते वो टॉक्सिक लेवल पे चले जाते हैं और पक्के नशेई बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये तो बहुत ज़रूरी है कि सबको पता हो कि ये आंसर नहीं है आपकी स्ट्रेस को कोप करने का, ना स्मोकिंग ना अद्वियात, जो एक दूसरे को वैसे भी बता देते हैं कभी एक दूसरे को बगैर डॉक्टर के मशवरे की ये दवाइयाँ नहीं पानी चाहिए और हैश की तरफ नहीं आना चाहिए। ये हमारी यंग जनरेशन में ये चीज़ बहुत है कि वो समझते हैं कि ये तो बाहर वो अलाउड है तो यहाँ पे खाम खाम में मना किया हुआ है, तो वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए तो ये बहुत नुकसानदेह है। मैंने तो खुद अपने ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस में देखा है कि ये जब हैश लेना शुरू करते हैं फिर ये लोग अपने होशो इतनी मकदार बढ़ती जाती कि होशो हवास में नहीं रहते, और फिर इनकी हर चीज़ मुतासर हो जाती है और इसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आपको फिर रीहैब डालो और फिर वहाँ से जब रह के भी आ जाते हैं फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी डिमांड बढ़ जाती है। ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत नुकसानदेह हैं, इसलिए हमारे मज़हब में भी नशा मना है, ये नशावर चीज़ें।
स्मोकिंग को भी लोग समझते हैं कि ये ऐसी है, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो एडिक्शन, और हैश आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गई है, और उससे आगे भी बहुत कुछ चला गया, हीरोइन एंड मैथ एंड एवरीथिंग, पार्टी ड्रग्स ये वो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यंग स्कूल्स में कॉलेज में ये चीज़ें सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए दैट दे शुड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड यूजिंग एब्यूज ऑफ ड्रग्स। बहुत शुक्रिया मैम, आज आप हमारे साथ मौजूद रही हैं, बहुत आपकी वैल्यूबल एडवाइसेस थी, एक्सपीरियंसेस आपने अपने शेयर किए। इसके अलावा आप कुछ अगर समझती हैं कि जो आप अपने सुनने वालों को कुछ और इसकी वजाहत देना फरमाएं, सबसे हट के जो हमने सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहा, कोई ऐसी एडवाइसेस जो आप अपने सुनने वालों को देना चाहें इख्तिताम के मौके पर, तो आप प्लीज़। बस मैं तो आपके थ्रू इस मौके को यूटिलाइज़ करूँगी और सबको बताऊँगी कि अगर आप किसी इस तरह की कैफियत मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं जिसमें आप को एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रही है, तो आप उसको लाइटली ना लें, आप उसको डॉक्टर से मशवरा करके अपनी ट्रीटमेंट कराएं और उसको फॉलो अप करें, और इसका इलाज आसान होता है, ये काबिल इलाज अमराज हैं, और इनका इलाज ना करना जो है वो नुकसानदेह होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फंक्शनिंग, आपके सोशल रिलेशनशिप, हर चीज़ मुतासर करती है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और साथ आप डॉक्टर से रजू रखें तो आप अपने लिए बहुत अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया मैम। मार्टिन डॉग के प्लेटफॉर्म से इस मेड टॉक्स के एपिसोड में आज हमारे साथ डॉक्टर नजमा अजीज़ हाजिर थी। आप लोगों ने यकीनन इनकी वैल्यूएबल एडवाइसेस, इनके एक्सपीरियंसेस सुने होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपकी ज़िंदगी में अफाका लाएंगे, फ़ायदेमंद होंगे और मुफीद रहेंगे। इंशाल्लाह दूसरी एपिसोड्स के साथ आने वाली अगली आपके साथ के अंदर आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अभी तक के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।